Hello everyone, welcome to this platform of Example, online platform of Example. I welcome you all to this vocabulary session, vocabulary map. यहाँ पर हम इंग्लिश के वर्ड्स को ऐसे सीखेंगे, ऐसे समझेंगे कि ये जाने के यार वर्ड के मीनिंग को ना रटने की जरूरत ना पड़े. वर्ड की मीनिंग हम देखते हैं, समझ में आ जाता है, लेकिन रट लेते हैं. क्योंकि क्यों रटते हैं? क्योंकि भूल जाते हैं. टाइम के साथ हम भूल जाते हैं. डिफिकल्टी आती है कि हम टाइम के साथ ना चीजों को भूल जाते हैं. तो इंग्लिश के वर्ड्स को हम ऐसे सीखेंगे कि हमें रटने की जरूरत ना पड़े और हम भूले ना. फॉर दैट वी विल सी द वर्ड्स इन सच अ वे दैट वी डोंट हैव टू क्रैम देम. ठीक है, तो अगर आपने मेरी प्रीवियस क्लासेस अटेंड करी हैं तो आपको पता होगा कि हम कैसे वर्ड्स को याद करें. वहां पे क्या होता है, वर्ड के अंदर से कोई चीज हमें निकालनी होती है, उसको रिलेट करना होता है अपनी लाइफ से, या फिर अपनी लाइफ से रिलेट कर लो या किसी भी चीज से रिलेट कर लो. ठीक है, इफ यू आर न्यू टू दिस प्लेटफॉर्म, अगर ये क्लास पहली बार देख रहे हो तो डू अटेंड माई प्रीवियस क्लासेज एज वेल. ठीक है, क्लियर है? तो स्टार्ट करेंगे बिना किसी देरी के, विदाउट एनी डिले. लेट्स गेट स्टार्टेड. एंड वन थिंग मोर, वट एवर वर्ड वी आर गोइंग टू लर्न हेयर, दैट इज गोइंग टू हेल्प यू इफ यू आर प्रिपेरिंग फॉर एनी कॉम्पिटेटिव एग्जाम. जी हाँ, अगर आप किसी भी कॉम्पिटिशन की तैयारी कर रहे हो, चाहे वो SSC का एग्जाम हो, डिफेंस का एग्जाम हो, टीचिंग का एग्जाम हो, बैंकिंग का एग्जाम हो, कोई भी एग्जाम हो, ये सारे ही वर्ड्स इंपॉर्टेंट हैं. इन एग्जाम्स को ध्यान में रखते हुए मैं इन वर्ड्स को लेकर के आई हूँ. इन वर्ड्स के मीनिंग आपको पता होने चाहिए इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर एनी ऑफ दीज कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स. सो ये सारे वर्ड्स इंपॉर्टेंट हैं एंड दे आर गोइंग टू हेल्प यू अलॉट. सो कनेक्ट विद मी इन दीज सेशंस, वोकैबुलरी विद इरम मैम, एग्जाम्पल केस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के थ्रू. ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं. लेट्स स्टार्ट आवर सेशन विद सम ब्यूटिफुल लाइन्स, विद सम नाइस लाइन्स, मोटिवेटिंग लाइन्स. जितना बड़ा सपना होगा उतनी ही बड़ी तकलीफें होंगी. जितनी बड़ी तकलीफें होंगी उतनी ही बड़ी कामयाबी होगी. जी हाँ, अगर सपना बड़ा है तो मुश्किलें भी ज्यादा बड़ी फेस करनी पड़ेंगी. क्योंकि होता है ना, स्पेशली व्हेन यू आर अ गर्ल एंड इफ यू हैव बिग ड्रीम्स. ठीक है, तो कई बार होता है नहीं, मतलब क्रिटिसिज्म भी फेस करना पड़ता है. या कॉम्पिटिशन की आप तैयारी कर रहे हो, आपको भी पता है, घर वालों को पता है कि यार ये कॉम्पिटिशन की तैयारी कर रहा है, एक साल से इसका निकला नहीं है. तो वहां पे खुद को भी फील होता है. लोग जब बोलते हैं ना कि एक साल हो गया, इतना पढ़ता है कि फिर भी नहीं निकल रहा, तो खुद को भी फील होता है. और वो चीज हमें बहुत ज्यादा हर्ट करती है और बहुत ज्यादा स्ट्राइक करती है. तो प्रॉब्लम्स भी हैं, ये सारी चीजें भी फेस करनी पड़ती हैं. और ऐसे में पॉजिटिव रहना, पॉजिटिव सोचना और आगे बढ़ना बहुत मुश्किल हो जाता है. तो ये इस सिचुएशन में ना एक चीज हमेशा याद रखना, इफ यू ड्रीम बिग then you have to face more and challenging difficulties. और उन difficulties को face करके, challenge को accept करके, उनको face करके आपने overcome कर लिया, then you can fulfill your dream. चलो start करते हैं अपना session. और पहला word, the very first word that we are going to learn today is abstruse. ध्यान देना pronunciation पे. abstruse कैसे बोला आपने, बोलना बहुत आसान है. abstruse, pronunciation पर भी ध्यान देना, क्योंकि कई बार हम सीख तो लेते हैं लेकिन कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, वर्ड सीख लेते हैं, बहुत सारे वर्ड सीख लेते हैं, मीनिंग सीख लेते हैं, लेकिन प्रोनंसिएशन बोलते टाइम गलतियां कर देते हैं. तो प्रोनंसिएशन पे भी थोड़ा ध्यान देंगे. ठीक है, इट्स एन एडजेक्टिव. ये वर्ड यू माइट बी फेमिलियर विद दिस वर्ड. ये वर्ड कई बार बहुत कॉमन सा वर्ड है, कई बार पूछा भी जा चुका है, बहुत कॉमन सा, इजी सा. abstruse इसका मतलब होता है कोई चीज जो आपको समझना है, इनकॉम्प्रिहेंसिबल, जिसे आप को समझने में परेशानी आए, incomprehensible, difficult to understand. ठीक है, abstruse का क्या मतलब है, मीनिंग देख लो, difficult to understand. abstruse is difficult to understand, incomprehensible कह सकते हो. जैसे कई लोगों के लिए इंग्लिश सेक्शन में पैसेज बहुत मुश्किल होता है करना. पैसेज में मुश्किल क्यों आती है, ग्रामर आप सीख लेते हो, अगर आपकी वोकैबुलरी अच्छी है. पैसेज में क्या है, कोई इंफॉर्मेशन दी जाती है, कोई आर्टिकल है. अब वो एक लैंग्वेज, इंग्लिश का एक लैंग्वेज है. पैसेज के थ्रू, एक छोटे से आर्टिकल के थ्रू वो आपसे कुछ कहना चाह रहा है. तो अगर आपको लैंग्वेज आती है, भाषा आती है, ठीक है, मान लो आपसे चाइनीज में कोई कुछ कह रहा है, या अरबिक में, या संस्कृत में कोई कुछ कह रहा है, या कोरियन में कोई कुछ कह रहा है, और आपको लैंग्वेज आती है, फ्रेंच में कोई कुछ कह रहा है, आपसे बात कर रहा है, आपको लैंग्वेज आती है तो बात समझ में आएगी. लैंग्वेज नहीं आती, नहीं समझ में आएगी. तो इंग्लिश लैंग्वेज पैसेज समझ में जल्दी आएगा, जल्दी आंसर मार्क करोगे. तो वहां पे भी वोकैबुलरी का बहुत बड़ा रोल होता है. तो कॉम्प्रीहेंसिबल एक टर्म आपको पता होगा, कॉम्प्रीहेंसिबल, उसका ऑपोजिट होगा इनकॉम्प्रीहेंसिबल. तो डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड कह सकते हो, इनकॉम्प्रीहेंसिबल भी कह सकते हो. ठीक है, क्लियर?
बहुत आसान था। डिफिकल्टी यहां नहीं है कि वर्ड का मतलब नहीं समझ में आया, सीख लिया आपने, बहुत आसान था। एब्स्ट्रूस, डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड, कॉम्प्लेक्स, कॉम्प्लिकेटेड, मिस्टीरियस, ठीक है, जो चीजें आपको समझ नहीं आ रही मिस्टीरियस है, ठीक है, कॉम्प्लेक्स है, कॉम्प्लिकेटेड है, कुछ भी कह सकते हो, ठीक है। डिफिकल्टी यहाँ नहीं है कि मतलब समझ में नहीं आ रहा, परेशानी यहाँ आती है कि यार सीख तो लिया, टाइम के साथ भूल जाते हैं, तो उस चीज को ओवरकम करें, वर्ड को भूले ना। फॉर दैट एब्स्ट्रूस, वर्ड क्या है एब्स्ट्रूस, एक पिक्चर बनी हुई है, एक पिक्चर बनी हुई है बोर्ड पे, वो देखो, मूवी है ना, इट्स अ मूवी, तारे जमीन पर, कई लोगों ने देखा होगा, जिन्होंने नहीं देखा वो देखें जरूर, बहुत अच्छी मूवी है। आमिर खान ने और ईशान अवस्थी दोनों ने ही बहुत अच्छा रोल प्ले किया है इस मूवी में, बहुत अच्छी मूवी है, यू मस्ट वॉच इफ यू हैवंट सीन इट, ठीक है, कई लोगों ने देखा होगा। तो इस मूवी में क्या दिखाया गया है कि एक छोटा सा बच्चा होता है ईशान अवस्थी, उसको क्या होती है, प्रॉब्लम आती है, उसे चीजें पढ़ता है ना, जब वो पढ़ता है, अल्फाबेट्स उसे ऐसे दिखाई देते जैसे डांस कर रहे हैं, उल्टे सीधे दिखाई देते हैं, उसे समझ नहीं आती चीजें, ठीक है, उसे समझ नहीं आती, ठीक है, क्लियर है। मूवी देखी है तो आप इजिली समझ जाओगे मैं क्या बता रही हूँ, ठीक है। अच्छा, तारे जमीन पर क्यों उठाया है, ये पिक्चर ही मैं क्यों लेकर के आई हूँ, देखो जो भी वर्ड आप याद करोगे ना, उसके मीनिंग को ऐसे याद करो, उसको रिलेट करो किसी चीज से, किसी इवेंट से, वो इवेंट चाहे आपकी पर्सनल लाइफ में हुआ हो या बाहर कहीं हुआ हो या किसी चीज से रिलेट करो। रिलेट करते टाइम एक चीज का ध्यान रखो, देखो वर्ड के अंदर से निकालो, एब्स्ट्रूस, एब्स्ट्रूस वर्ड के अंदर से निकालो, एब्स, एब्स से हमने निकाल लिया, ए बी सी डी, एब्स, ए बी सी डी, ए बी सी डी, एब्स, ए बी सी डी, ट्रूज से कर लो, ट्रू, ट्रू से कर लो, ट्रू। इस मूवी में ये दिखाया है कि ईशान अवस्थी जो है ना, उसे पढ़ने में बहुत प्रॉब्लम होती है, लेकिन उसकी इस प्रॉब्लम से, उसकी इस डिफिकल्टी से उसके पेरेंट्स जो है ना समझ नहीं पाते, वो बहुत ज्यादा परेशान होते हैं, स्पेशली उसकी मदर बहुत ज्यादा परेशान होती है, ठीक है, तो वो लोग ये समझ नहीं पाते। फिर आमिर खान उनको बताते हैं कि उनको एक्सप्लेन करते हैं, उनको समझाते हैं कि ईशान अवस्थी को ना एक बीमारी है, इट्स अ ट्रू, इट्स अ फैक्ट कि ही इज डिस्टर्ब, ही इज नॉट वेल, उसके ऐसा नहीं है, मतलब उसको एक डिफिकल्टी है, उसको प्यार से डील करो, समझो उसकी प्रॉब्लम को, उसको डिफिकल्टी क्या है कि उसके लिए एब्स, ए बी सी डी, एब्स से हमने निकाल लिया, ए बी सी डी, उसको ए बी सी डी पढ़ने में भी डिफिकल्ट लगता है, तो मीनिंग निकल के आ गया ना डिफिकल्ट, मीनिंग निकल के आ गया ना डिफिकल्ट। ईशान अवस्थी को ए बी सी डी समझ नहीं आती, ठीक है, समझ नहीं आती, तो डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड, मीनिंग निकल के आ गया, क्लियर क्लियर। एब्स्ट्रूस से हमने निकाला ए बी सी डी, ईशान अवस्थी को ए बी सी डी समझ नहीं आती, तो समझ नहीं आती, डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड, एब्स्ट्रूस, क्लियर क्लियर, बहुत आसान था, कोई मुश्किल नहीं है। चलो कुछ एग्जाम्पल्स देखेंगे, सिर्फ वोकैबुलरी एक वर्ड नहीं सीखेंगे, एग्जाम्पल्स भी देखेंगे, रिलेटेड टर्म्स, सिनोनिम्स और ऑपोजिट मीनिंग, एंटोनिम्स भी देखेंगे, ठीक है। चलो एग्जाम्पल देख लो, द प्रोफेसर्स लेक्चर, द प्रोफेसर्स लेक्चर्स वर सो एब्स्ट्रूस, सो कॉम्प्लेक्स दैट स्टूडेंट्स टेंडेड टू अवॉइड देम। जो प्रोफेसर के लेक्चर थे वो इतने ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हुआ करते थे, कॉम्प्लेक्स हुआ करते थे कि स्टूडेंट्स वो समझ ही नहीं आते थे, तो समझ नहीं आते थे तो वो क्या करते थे, दे टेंड टू अवॉइड देम, कोशिश करते थे कि यार इनकी क्लास तो छोड़ो, नहीं करनी, कुछ समझ ही नहीं आता, क्लियर क्लियर एग्जाम्पल, कोई मुश्किल नहीं है। अब रिलेटेड टर्म्स देखेंगे, सिनोनिम्स, ठीक है। चलो सिनोनिम्स, हार्ड, कोई चीज समझ नहीं आ रही, आप कह सकते हो यार हार्ड है, मुश्किल है, ठीक है, डिफिकल्ट है, कॉम्प्लिकेटेड है, कॉम्प्लेक्स भी कह सकते हैं, कॉम्प्लेक्स है, क्लियर। रिकॉन्डाइट, देखो अब ये टर्म्स तो इजी थे, आसान थे, हार्ड, डिफिकल्ट, कॉम्प्लिकेटेड, कॉम्प्लेक्स, ये टर्म्स आसान थे, आप समझ जाओगे, ठीक है। अब कुछ नए और रिलेटेड टर्म्स देखो, रिकॉन्डाइट, अनफैदमेबल, ऑब्स्क्योर, इनस्क्रूटेबल, अपने आप में डिफिकल्ट वर्ड्स लग रहे होंगे, कई लोगों को शायद पता होंगे मीनिंग, तो उन्हें आसान लग रहे होंगे, लेकिन मेजोरिटी को जिन्हें नहीं पता होगा इसका मीनिंग, उन्हें ये अपने आप में डिफिकल्ट लग रहे होंगे, ये तो कोई भी समझ जाएगा, हार्ड, डिफिकल्ट, कॉम्प्लिकेटेड, कॉम्प्लेक्स, ठीक है। तो जब हम एक वर्ड सीख रहे हैं, जब कॉम्पिटिशन की तैयारी करते हैं, तो एक टर्म से रिलेटेड कई टर्म्स हमें पता होने चाहिए, तो यहाँ पे हम सिर्फ एक वोकैबुलरी नहीं सीख रहे हैं, एक वोकैबुलरी के साथ, एब्स्ट्रूस के साथ, और भी टर्म्स, और भी वोकैबुलरी वर्ड्स हम सीखेंगे, विच माइट बी न्यू टू सम, ठीक है, कुछ लोग फेमिलियर होंगे, कुछ लोगों के लिए नया होगा, तो
हम यहाँ एक वर्ड नहीं सीख रहे, हम यहाँ पांच वर्ड सीखेंगे, एक टाइम में पांच वर्ड सीखेंगे, किसके लिए? डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड, कॉम्प्लेक्स, हार्ड, डिफिकल्ट, इनकॉम्प्रिहेंसिबल, इसके लिए हम पांच वर्ड सीख रहे हैं. एब्स्ट्रूज आपने समझ लिया, क्लियर. अब देखेंगे रिकॉन्डाइट, मतलब वही है, सिनोनिम्स हैं ये सारे, सिमिलर मीनिंग है, मतलब वही है. रिकॉन्डाइट का मतलब भी क्या है? जो चीज समझना है डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड, क्लियर. अब इस वर्ड को भूलो ना, फॉर दैट क्या करेंगे, जैसे एब्स्ट्रूज के लिए हमने किया था एबीसीडी, एब्स्ट्रूज के लिए क्या किया था, एबीसीडी फॉर ईशान अवस्थी वॉज डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड, ठीक है. ईशान अवस्थी के लिए एबीसीडी सीखना बहुत मुश्किल था, तो ये हमने ऐसे याद किया. ऐसी रिकॉन्डाइट को कैसे याद करेंगे? रिकॉन्डाइट मीनिंग कभी ना भूलो, फॉर दैट डाइट से कर लो, डाइट, डाइट से कर लो, डाइट, क्या खाते हो, क्या पीते हो. कहते हैं ना कि तुम बहुत ज्यादा बीमार रहते हो, अपनी डाइट बढ़ाओ, अपनी डाइट ठीक करो, ठीक है. या फिट रहने के लिए हम कोई स्पेशल डाइट लेते हैं, कुछ लोग जिम जाते हैं, जिम जाते हैं तो वो स्पेशल डाइट्स लेते हैं, वो एग्स खाते हैं या प्रोटीन लेते हैं, ठीक है. तो डाइट क्या है, क्या आप खा रहे हो, क्या पी रहे हो. यहाँ डाइट, DITE, डाइट से ये डाइट निकाल लो, ठीक है. डाइट की स्पेलिंग पे ध्यान देना, दिस डाइट. न्यूट्रिशन, क्या न्यूट्रिशन आप इनटेक कर रहे हो, क्या न्यूट्रिशन ले रहे हो, ठीक है, क्लियर. रिकॉन, रिकॉन कौन से कर लो, विच, हिंदी वाला कौन, विच कौन, हिंदी वाला कौन, ठीक है. अब मीनिंग को समझने के लिए इसको रिलेट करेंगे. सपोज करो कोई लड़की है, कोई लड़की है, ठीक है. लड़कियों में होता है ना यार, उसकी स्किन तो बड़ी अच्छी लग रही है, पता नहीं क्या करती है, कौन सी क्रीम लगाती है, या उसकी हेल्थ तो बड़ी अच्छी है, पता नहीं क्या खाती है. लड़कियों में ज्यादा होता है, आजकल तो लड़कों में भी होने लगा है, क्योंकि फेयरनेस वाली क्रीम्स लड़कों के लिए भी आने लगी है, कंडीशनर्स लड़कों के लिए भी आने लगे, हेयर सीरम जेल्स लड़कों के लिए भी आने लगे, स्पेशल परफ्यूम्स लड़कों के लिए भी आने लगे, तो लड़कों में भी ये चीज होती है. अब समझो, मान लो कोई बहुत फिजिकली फिट है, हेल्दी है, आपने कहा यार यार कौन सी डाइट लेती है, कौन सी डाइट लेती है, समझ ही नहीं आता, इतनी बढ़िया हेल्थ है उसकी, इतनी फिजिकली फिट है, कौन सी डाइट लेती है, समझ ही नहीं आता. तो रिकॉन्डाइट, रिकॉन्डाइट, रिकॉन्डाइट कौन सी डाइट लेती है, रिकॉन्डाइट कौन सी डाइट लेती है, समझ ही नहीं आता. मीनिंग निकल के आ गया ना, समझ ही नहीं आता. तो इस वर्ड को, इस वर्ड के मीनिंग को आप भूलो ना, इसको इस तरीके से याद करो, ठीक है. रिकॉन्डाइट, नेक्स्ट टाइम कभी भी वर्ड देखोगे फॉरन माइंड में क्लिक करेगा, मैम ने क्या बताया था, रिकॉन्डाइट, मैम ने क्या बताया था, रिकॉन्डाइट, मैम ने बताया था कौन सी डाइट, CON कौन से मैम ने बताया था, कौन, और डाइट से मैम ने बताया था जो न्यूट्रिशन वो लेती है, जो खाना पीना वो कर रही है. भाई वो फिजिकली इतनी फिट है, वो क्या खाती पीती है, कौन सी डाइट ले रही है, वो इतनी फिट है, समझ ही नहीं आता. तो मीनिंग निकल के आ गया ना कि डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड, क्लियर, क्लियर. अब नहीं भूलेंगे, आई होप अब ये वर्ड आप कभी नहीं भूलोगे. चलो नेक्स्ट देख लेते हैं, रिलेटेड टर्म, ऑब्स्क्योर, 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 ऑब्स्क्योर. कई बार ऑब्स्क्योर का मतलब आता है हिडन, सीक्रेट, कोई चीज हिडन है, छुपी हुई है, तो आपको समझ नहीं आएगी कोई बात, कोई आपसे बता नहीं रहा, छुपा हुआ है, छुपी हुई है वो बात, तो आपको समझ नहीं आएगा. कोई सीक्रेट है, जब तक आप जानोगे नहीं आप सिचुएशन को कैसे समझोगे, ठीक है. तो ऑब्स्क्योर का मतलब डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड, इनकॉम्प्रिहेंसिबल, कॉम्प्लिकेटेड, कॉम्प्लेक्स, हार्ड, एंड कह सकते हो सीक्रेट, हिडन, ये भी कह सकते हैं, ठीक है, क्लियर, क्लियर. अब इसको कैसे याद करेंगे, इसको कैसे याद करेंगे, इसको याद करने के लिए देखो, ध्यान देना, इसको याद करने के लिए ऐसे कर लो, ऑब्स्क्योर, 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 क्योर, सिक्योर, दो टर्म यहां से हम निकालेंगे वर्ड के अंदर से, दो टर्म निकालेंगे, एक टर्म हमने निकाल लिया क्योर और दूसरा टर्म हमने निकाल लिया सिक्योर, ठीक है. एक टर्म हमने निकाल लिया क्योर एंड सेकेंड टर्म जो हमने निकाला दैट इज सिक्योर, क्योर, सिक्योर, क्योर, सिक्योर. मूवीज वगैरह में दिखाते हैं, एक मदर है अपनी चाइल्ड को बचाने के लिए छुप रही है, भाग रही है, ठीक है. मूवीज वगैरह में ये चीज दिखाई गई है, कॉमन है, ठीक है. तो अब इसको इमेजिन करो, अपनी चाइल्ड को सिक्योर करने के लिए, उसे अपनी चाइल्ड की बहुत क्योर है, बहुत क्योर करती है, ठीक है. उसको सिक्योर करने के लिए अपने चाइल्ड को क्या कर रही है, छुपा रही है, हिडन, ऑब्स्क्योर. मीनिंग निकल के आएगा ऑब्स्क्योर, हिडन, और कोई चीज हिडन है तो कह सकते हो
कोई चीज हिडन है तो कह सकते हो कि आपको समझ नहीं आ रही, डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड, ठीक है, हिडन कह लो, सीक्रेट कह लो, कोई सीक्रेट है, कोई चीज छुपी हुई है, आपको समझ नहीं आ रही, डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड, ठीक है। कैसे गया आपकी ऑब्सक्योर को? क्योर, वो अपनी बच्चे की इतनी क्योर करती है, उसको सिक्योर कर रखा है, हर चीज से बचा रखा है। और या ये भी कह सकते हो कि कुछ लोग जो है ना अपने बच्चों को लेके बहुत ज्यादा वो हो जाते हैं, ओवर पॉजिटिव हो जाते हैं, ओवर पॉजिटिव हो जाते हैं कि मेरे बच्चे को चोट लग जाएगी, मेरे बच्चे को ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, बहुत ज्यादा सिक्योर, कुछ ज्यादा ही क्योर करने लगते हैं, कुछ ज्यादा ही सिक्योर करने लगते हैं। और ये चीज ना आपको समझ नहीं आती, यार नॉर्मल बच्चा है, इतना क्या नॉर्मल बच्चा है, आपको समझ ही नहीं आता उसका बिहेवियर। ऐसे भी रिलेट करके याद कर सकते हो। क्लियर है? क्लियर है? क्लियर है? आगे बढ़ जाए, नेक्स्ट वर्ड देख ले। नेक्स्ट वर्ड है इनस्क्रूटेबल। नेक्स्ट वर्ड इज इनस्क्रूटेबल। इनस्क्रूटेबल, थ्रिलर मूवीज देखी है या मिस्टीरियस मूवीज देखी है, उसमें क्या दिखाते हैं, कोई क्राइम हो गया, कोई क्राइम हो गया, अब पुलिस इन्वेस्टिगेट कर रही है कि ये क्राइम क्या है, ठीक है, FBI वगैरह देखते हैं कि यार क्राइम हुआ है, तो इन्वेस्टिगेट करते हैं कि हु इज द कल्प्रिट, व्हाट एग्जैक्टली हैपेंड हियर, कहीं पे मर्डर हो गया किसी घर में, किसी फैमिली में, व्हाट एग्जैक्टली हैपेंड हियर, क्राइम हुआ है तो हुआ क्या है, ठीक है, पता लगाने के लिए वो बुलाते हैं लोगों से, पूछताछ करते हैं। अब सपोज करो किसी ने क्राइम किया, कई बार मूवीज में दिखाया है, स्पेशली हॉलीवुड मूवीज में, कि FBI इन्वेस्टिगेट कर रही है, किसी ने कोई क्राइम किया है, कोई मर्डर किया है, तो उसको बुला के ना जब उससे पूछताछ होती है तो FBI ध्यान उस पर बहुत ऑब्जर्व करती है उस बंदे को, जब भी वो आंसर कर रहा है तो उसके फेस पे ना एक्सप्रेशन वो देखती है कि आंसर करते टाइम उसके फेस पे क्या एक्सप्रेशन है। कई बार लोग जब झूठ बोलते हैं तो फेशियल एक्सप्रेशन से पता चल जाता है दैट दे आर लाइंग, राइट, दे आर लाइंग, फेशियल एक्सप्रेशन से पता चल जाता है। लेकिन कई लोग ना झूठ इतनी सफाई से बोल जाते हैं आप समझ ही नहीं पाओगे। तो इनस्क्रूटेबल क्या है? पहली चीज, डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड, जो समझ में ना आए, स्पेशली इस वर्ड को यूज करते हैं फेशियल एक्सप्रेशन के लिए। फेस पे ऐसे एक्सप्रेशन है कि आप उसके इमोशन को समझ ही नहीं पा रहे हो, ठीक है। उसके कई लोग होते हैं ना बहुत ज्यादा परेशान होते हैं लेकिन फेस पे हमेशा स्माइल होती है, तो आप कभी समझ ही नहीं पाओगे कि वो कितना परेशानी में, ठीक है, कितनी परेशानी में, क्लियर। तो स्पेशली फेशियल एक्सप्रेशन के लिए टर्म यूज होता है। अब इसको याद कैसे करोगे? भूलो ना। फॉर दैट हम क्या करेंगे, वर्ड के मतलब को समझने में प्रॉब्लम नहीं है, अगेन आई एम टेलिंग यू, मीनिंग सब सीख लेते हैं। डिफिकल्टी आती है कि टाइम के साथ, विद टाइम वी फॉरगेट द मीनिंग, तो ये चीज नाउ फॉर दैट वर्ड को ऐसे याद करेंगे। कैसे देखो, कैसे याद करेंगे वर्ड को फॉर दैट, कैसे याद करेंगे? यहां पर देखो, वर्ड क्या था? इनस्क्रूटेबल। वर्ड था हमारा इनस्क्रूटेबल। अब वर्ड के अंदर से कुछ चीजें निकालेंगे। देखो, टेबल से आपने निकाल लिया टेबल, ठीक है, टेबल से आपने निकाल लिया टेबल, स्क्रू से निकाल लो स्क्रू, स्क्रू, ठीक है। अब इमेजिन करो, इमेजिन करो कोई मर्डर हुआ है किसी घर में या किसी ऑफिस में, कहीं पर कोई मूवी देख रहे हो आप, थ्रिलर मूवी, वहां पर आप देख रहे हो कि किसी ऑफिस में, किसी घर में टेबल पे, टेबल के बगल में डेड बॉडी पड़ी है, टेबल के बगल में डेड बॉडी पड़ी है, टेबल के मान लो कोई ऐसा कॉम्प्लिकेटेड सा टेबल था, उसके स्क्रूज वगैरह निकले हुए हैं, एक स्क्रू उसके हेड में लगा हुआ है, ऐसे इमेजिन करो, ठीक है, इमेजिन करो। अब क्या ये क्राइम हुआ है? अब FBI या पुलिस इन्वेस्टिगेट कर रही है, लोगों से पूछताछ कर रही है, तो जब लोगों से पूछताछ कर रही है तो उनके फेशियल एक्सप्रेशन उन्हें समझ ही नहीं आ रहा है, ठीक है, मीनिंग निकल के आ गया, मीनिंग निकल के आ गया ना। इस सिचुएशन को इमेजिन करो, वर्ल्ड के अंदर से हमने निकाला स्क्रू एंड टेबल, और इससे एक सिचुएशन क्रिएट करो, उस सिचुएशन को इमेजिन करो और उस सिचुएशन के अंदर से मीनिंग निकल के आ जाना चाहिए, ठीक है। इस तरीके से जब याद करोगे ना, आई एक्सपेक्ट कि आप इस वर्ड को अब कभी नहीं भूलोगे। क्लियर? क्लियर? क्लियर है? इनस्क्रूटेबल क्लियर है? स्पेशली हमने किस लिए यूज किया? फेशियल एक्सप्रेशन के लिए, ऐसे एक्सप्रेशन जो आपको समझ ना आए, ठीक है, ये? चलो नेक्स्ट वर्ड देखेंगे, अनफैदोमेबल। अनफैदोमेबल, अनफैदोमेबल, ठीक है, इसका भी मतलब होता है इनकॉम्प्रिहेंसिबल, डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड, हार्ड, डिफिकल्ट, कॉम्प्लेक्स, कॉम्प्लिकेटेड, ठीक है। याद कैसे करोगे? वर्ड भूलो ना। कैसे याद करोगे? देखो, एक वर्ड होता है फैदम, फैदोमेबल। फैदोमेबल होता है जो चीज समझ में आ जाए, ठीक है, फैदोमेबल होता है जो चीज समझ में आ जाए, और इनफैदोमेबल हो जाएगा जो चीज समझ ना आए, ठीक है, इनफैदोमेबल हो जाएगा जो चीज
समझना है, जस्ट ऑपोजिट हो गया उसका। ठीक है, अब देखो इस वर्ड को याद करने के लिए, फैदमेबल, प्रोनंसिएशन पे ध्यान देना, फैदमेबल, फैदमेबल, दम, दम का साउंड आ रहा है यहाँ पे, दम का साउंड आ रहा है यहाँ पे। ठीक है, दम स्ट्रेंथ कर लो, स्ट्रेंथ कर लो। अच्छा, यहां से हमने निकाल लिया एबल, यहां से हमने निकाल लिया बिल, से हमने निकाल लिया एबल, एबल बिल से निकाल लिया एबल। दोस्तों में होता है ना, तेरे अंदर दम है, तू ये काम कर सकता है, आर यू एबल टू डू दिस, हैव यू दैट मच स्ट्रेंथ। कॉम्पिटिशन की बात कर लो, क्या कॉम्पिटिशन एग्जाम निकालने का दम है, क्या तुम एबल हो, क्या केपेबल हो इतना? ठीक है, तो एबल, एबल दम स्ट्रेंथ। मान लो कोई मशीन है, आपने आपने आपका फ्रेंड लेके आया कि ये मशीन है, बहुत हेल्पफुल है, ये बहुत अच्छा काम करती है। आपको समझ नहीं आ रहा कि यार, आपको देख के वो मशीन छोटी सी है, लाइट सी है, आपको देख के लग रहा है यार ये छोटी सी लाइट सी है, ये इसके अंदर दम है, इसके अंदर स्ट्रेंथ है, ये काम करेगी भी। आपको डाउट है, आपको लग रहा है कि यार मुझे तो नहीं समझ आ रहा कि ये काम करेगी। तो इस तरीके से रिलेट करके याद कर लो कि यार इसके अंदर दम है भी, स्ट्रेंथ है भी, ये काम करेगी। आई डोंट अंडरस्टैंड दिस, मुझे नहीं समझ में आ रहा। तो अनफेदमेबल क्या हो गया, डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड, डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड। ध्यान देना, फेदमेबल कई बार वाटर या साउंड के लिए भी यूज करते हैं। वाटर, पानी कितना गहरा है, अगर पानी शैलो है चीजें आपको दिख जाती हैं, समझ में आती है। कोई चीज डीप है, डीप है तो वो चीज समझना, गहराई में जाना, समझना बहुत मुश्किल होता है। तो कई बार इसके रिलेटेड इनफेदमेबल के लिए, अनफेदमेबल के लिए हम कह देते हैं कि, अनफेदमेबल के लिए हम कह देते हैं कि कोई चीज क्या है, डीप है। कई बार कह देते हैं, करेक्शन कर लो, यहाँ पे इन नहीं अन है, ठीक है, ये बाय मिस्टेक मैंने लिख दिया यहाँ पे, अनफेदमेबल, इनफेदमेबल, ठीक है, करेक्शन कर लो। क्लियर, क्लियर, क्लियर। चलो, तो यहाँ पे हमने एक वर्ड के साथ उससे रिलेटेड कई वर्ड देखे, तो आपने एक वोकैबुलरी नहीं सीखी, आपने 5 वोकैबुलरी सीख ली एक टाइम में। ये सारे वर्ड्स की मीनिंग आपको पता होने चाहिए। क्लियर, क्लियर, क्लियर। चलो क्विकली आगे बढ़ेंगे, क्विकली आगे बढ़ेंगे। अच्छा, आपको पता है एसएससी सीजीएल का नोटिफिकेशन आ चुका है, तो कई लोग ये सोच रहे होंगे कि अभी तो बहुत टाइम है, अभी तो जस्ट नोटिफिकेशन आया है। तो ऐसा नहीं करना है, कॉम्पिटिशन बहुत ज्यादा है, और पढ़ाई जो है ना अभी से स्टार्ट कर दो, ठीक है, अभी से स्टार्ट कर दो। और डिस्ट्रैक्शन होगा ना तो तैयारी सही से नहीं होती कि यार कहाँ से करें, क्या करें, या ये वाला लें, वो वाला लें। डिस्ट्रैक्शन होता है तो वहां पे कहीं ना कहीं हमारा बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट होता है। तो ये सब ना करें और अपनी तैयारी अभी से शुरू कर दें। फॉर एसएससी सीजीएल एग्जाम्पल लेकर के आया है, एसएससी स्पेशल परिवर्तन 3.0। यहाँ पे बहुत सारे बैचेस हैं आपके एसएससी से रिलेटेड, एसएससी सीजीएल, एसएससी सीपीओ, एसएससी जीडी, एसएससी एमटीएस, दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल, एसएससी फेज 11, एसएससी स्टेनो। ये सारे ही बैचेस आपके 4 अप्रैल से स्टार्ट हो रहे हैं। इसके साथ साथ 18th महाकुंभ कोर्सेज और भी हैं। ये सारे ही बैचेस आपके 4 अप्रैल से स्टार्ट हो रहे हैं। इफ यू आर न्यू स्टूडेंट, इफ यू आर न्यू टू द प्लेटफॉर्म, ध्यान देना कि इस ये जो बैच का कोर्स प्राइस है, प्राइस जो है वो आपका 499 है। फॉर न्यू स्टूडेंट्स यू हैव टू अप्लाई कोड ईपी न्यू, एंड फॉर ओल्ड स्टूडेंट्स इट्स फॉर 999, यू हैव टू अप्लाई कोड ईपी ओल्ड। ठीक है, ये ऑफर, ये जो बैच प्राइस है, ये सिर्फ 7 अप्रैल तक है, 7 अप्रैल तक। ठीक है, बैच का प्राइस बहुत ज्यादा नहीं है, सीजीएल का नोटिफिकेशन आ चुका है, उस चीज को भी ध्यान रखेंगे। 4 अप्रैल से बैचेस स्टार्ट हो रहा है, डिले नहीं करना है, बहुत ज्यादा टाइम मत लगाओ, तैयारी में लग जाओ। ठीक है, तैयारी में लग जाओ, इतने मिनिमम प्राइसेस पे आपको कोर्सेज मिल रहे हैं। एंड नॉट ओनली सीजीएल, आपके और भी बहुत सारे कोर्सेज हैं, तो आप सबका एक्सेस लेके अपनी तैयारी शुरू कर सकते हैं। सीजीएल प्री एंड मेंस दोनों की तैयारी करें। परिवर्तन 3.0 बैच स्टार्ट हो रहा है 4 अप्रैल से, कोर्स प्राइस है 999 विद 60% डिस्काउंट, गेट दी एक्सेस, स्टार्ट प्रिपेयरिंग। क्लियर, क्लियर, क्लियर। चलो स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट वर्ड जो हम सीखेंगे दैट इज कलैमिटी, कलैमिटी, कलैमिटी। प्रोनाउंस प्रोनाउंस करना बहुत आसान है, कलैमिटी, कलैमिटी, इट्स अ नाउन, कलैमिटी। कलैमिटी होता है, कलैमिटी होता है कोई बहुत ही ऐसी ट्रेजेडी हो गई, ठीक है, या कई बार होता है ना जैसे अर्थक्वेक आ गया और बहुत ज्यादा, जैसे अभी टर्की में आया था हाल फिलहाल में, तो वहां पे बहुत ज्यादा डिस्ट्रक्शन हो गया, बहुत सी चीजें, मतलब बहुत ज्यादा बर्बादी हो गई। तो
कैलामिटी इसी को बोलते हैं, ठीक है, कैलामिटी, टेरिबल इवेंट, टेरिबल इवेंट दैट कॉजेज अ लॉट ऑफ डैमेज और हार्म, कोई ऐसा इवेंट जिससे बहुत ज्यादा डैमेज और हार्म हो रहा है, ठीक है, क्लियर है, क्लियर. नेचुरल डिजास्टर्स कई बार आते हैं ना, अर्थक्वेक आ गया या सुनामी आ गई, तो बहुत ज्यादा वहां पे क्या होता है कि बहुत ज्यादा हार्म हो गया, डैमेज हो गया, ठीक है. अभी कोविड आया था, यू माइट बी फेमिलियर, ठीक है, बहुत आसान सा वर्ड है, कैलामिटी. कोविड के टाइम पे तो आपने देखा क्या हालात थे, ठीक है. तो कैलामिटी, अब इसको याद कैसे करोगे, इफ दिस वर्ड इज न्यू टू यू, हाउ यू आर गोना मेमोराइज इट फॉर लॉन्ग, हाउ यू आर गोना रिटेन द मीनिंग फॉर लॉन्ग, कैसे याद करो कि भूलो ना, फॉर दैट वर्ड के अंदर से कुछ निकालेंगे, वर्ड के अंदर से कुछ निकालेंगे. देखो, एमिटी से कर लिया हमने ऑलमाइटी, एमिटी से हमने कर लिया ऑलमाइटी, ऑलमाइटी में गॉड, ठीक है, एमिटी से हमने कर लिया ऑलमाइटी गॉड, क्लियर, यहां पर ध्यान देना, एमिटी से हमने कर लिया ऑलमाइटी, ऑलमाइटी क्या, गॉड, ठीक है, ऑलमाइटी गॉड. एंड ऑल कॉल से हमने कर लिया कैलामिटी, कॉल, यहां पे हमने कर लिया कॉल, किसी को आवाज लगाना, ठीक है. तो जब कैलामिटी होती है, जैसे कोविड के टाइम पे जब हालात बहुत ज्यादा खराब थे, तो हर किसी को ना गॉड की याद तो आई गई थी, हर किसी को गॉड की याद तो आई गई थी, हर किसी ने उनसे प्रेयर्स करना स्टार्ट कर दिया था, राइट, एम आई रॉन्ग, ठीक है. तो कैलामिटी, कैलामिटी कैसे याद करोगे, कैलामिटी, कॉल ऑलमाइटी, कॉल गॉड, कॉल गॉड, कॉल ऑलमाइटी, कब कॉल करोगे, कब उन्हें पुकारोगे, कब उन्हें आवाज दोगे, जब आप किसी परेशानी में हो, और आपके परेशानी इसलिए कि मतलब परेशानी इस लेवल की है कि बहुत ज्यादा डैमेज हो गया, बहुत ज्यादा डिस्ट्रक्शन हो गया, ठीक है, टेरिबल इवेंट हो गई, कोई ट्रेजेडी हो गया, कोई एक्सीडेंट हो गया, आप बहुत ज्यादा परेशान हो, यू आर कॉलिंग ऑलमाइटी, कॉलिंग गॉड, सो कॉल ऑलमाइटी, ऐसे रिलेट करके याद करो. कैलामिटी का मतलब होता है टेरिबल इवेंट, ठीक है, कोई दुर्घटना कह सकते हो, क्लियर है, क्लियर है, पिक्चर देख लो, यू कैन सी अ पर्सन बहुत ज्यादा परेशान लग रहा है, अंडरस्टैंड द इमोशन, और यहाँ पे स्काई से क्या समझो, कोई भी, कभी भी, कई बार हम परेशान होते हैं तो ऊपर देखते हैं, नाइट में आप लोग वॉक करते हो, ऊपर देखते हो स्काई की तरफ, गॉड को याद करते हैं, ठीक है. तो पिक्चर से रिलेट करो, कैलामिटी में से कॉल ऑलमाइटी निकालो, गॉड निकालो, और इस चीज को रिलेट करके याद करो. कैलामिटी का मतलब होता है कोई टेरिबल इवेंट दैट कॉजेज अ लॉट ऑफ डैमेज और डिस्ट्रक्शन, कोई ट्रेजेडी कह सकते हो, कोई ट्रेजेडी भी कह सकते हो, ठीक है, मीनिंग क्लियर है. कुछ एग्जाम्पल्स देख लेते हैं. It would be a calamity for the farmers if the crops failed again. It would be a calamity for the farmers if the crops failed again. होता है ना, ये चीज तो फैक्ट है, और ये चीज आप सब भी अवेयर हो उस चीज से, कई बार बारिश आ जाती है, फसलें खराब हो जाती है, या बारिश टाइम से नहीं आती, फसल खराब हो जाती है, फार्मर्स के लिए बहुत बड़ी ट्रेजेडी हो जाती है, मिस हैपनिंग हो जाती है, जहां पे उन्हें बहुत ज्यादा डैमेज हो जाता है, अगर इतना सारा क्रॉप खराब हो गया, बहुत ज्यादा डैमेज हो जाता है, डिस्ट्रक्शन हो जाता है, वो लोग टूट जाते हैं, ठीक है. तो यहाँ पर कैलामिटी का मतलब क्लियर है, मीनिंग क्लियर है. आप कुछ रिलेटेड टर्म्स देखेंगे, सिनोनिम्स देखेंगे, सिनोनिम्स, डिजास्टर कह सकते हैं, ठीक है, कैटास्ट्रोफ, कैटास्ट्रोफ और कैटाक्लिज्म, कैटास्ट्रोफ और कैटाक्लिज्म, दोनों का ही मतलब है आपका ट्रेजेडी, कोई ऐसा इवेंट जिसमें बहुत ज्यादा डैमेज हो गया, डिस्ट्रक्शन हो गया, कैटास्ट्रोफ और कैटाक्लिज्म. याद कैसे करोगे कि भूलो ना, फॉर दैट देखो, कैटास्ट्रोफ कैसे याद करोगे कि भूलो ना, थोड़ा सा ध्यान देना, कैटास्ट्रोफ, कैटास्ट्रोफ, अगर करंट अफेयर्स, करंट अफेयर्स अप टू डेट रहते हो, तो आपने एक न्यूज सुनी होगी, हॉलीवुड इवेंट हुआ था, अवार्ड्स इवेंट, ऑस्कर्स अवार्ड इवेंट, वहां पर क्या हुआ था, एक विल स्मिथ सेलिब्रिटी है, उन्होंने क्या किया था, क्रिस रॉक को स्लैप कर दिया था ट्रॉफी लेने, जैसे विल स्मिथ गए ट्रॉफी लेने, ठीक है, ट्रॉफी लेने गए तो उन्होंने क्रिस रॉक को स्लैप किया था, और इसपे बहुत ज्यादा न्यूज में ये चीज आ रही थी, ठीक है. तो वो इवेंट क्या हो गया, सेलिब्रिटी के लिए एक ट्रेजेडी थी हो गई, जहां पे कई लोग जो है ना उनको क्रिटिसाइज भी करने लगे. विल स्मिथ एक बहुत ही अच्छे फेमस सेलिब्रिटी है, आप मेनी ऑफ यू माइट बी फेमिलियर विद दिस, कुछ लोग शायद नहीं जानते होंगे, ठीक है, अगर नहीं जानते तो एक बार जरूर सर्च करना और देखना. विल स्मिथ इज वेरी नाइस पर्सनैलिटी, मतलब एक अच्छी सेलिब्रिटी है, मैंने भी उनकी मूवीज देखी है, बहुत अच्छी है, ठीक है. सो विल स्मिथ के जो क्रिटिसिज्म है, उनके साथ एक मिस हैपनिंग हो गई, एक ऐसा इंसिडेंट हो गया कि वो स्टेज पे गए ट्रॉफी लेने, उन्होंने क्रिस रॉक को स्लैप कर दिया, तो इसके पीछे न्यूज में मतलब हर जगह बहुत कुछ लोग कहने लगे,
जहां पे क्रिटिसिज्म भी फेस करना पड़ा उन्हें, तो इस वो एक ट्रेजेडी हो गई विल स्मिथ के लिए। ऐसे इमेजिन करके, ऐसे रिलेट करके याद कर लो। व्हाई विल स्मिथ का एग्जांपल क्यों लिया है? देखो विल स्मिथ का एग्जांपल क्यों लिया है, कैटेस्ट ट्रॉक, ट्रॉक से हमने कर लिया ट्रॉफी, ट्रॉफी, ट्रॉफी अवार्ड, ठीक है, अवार्ड। तो ऑस्कर में जैसे ही विल स्मिथ गए ऑस्कर अवार्ड लेने, विल स्मिथ ने स्लैप कर दिया क्रिस रॉक को, एक ट्रेजेडी हो गई। उस टाइम पे उनकी जो इमेज थी ना उस पे बहुत ज्यादा क्रिटिसिज्म फेस करना पड़ा, तो इमेज जो है डैमेज हो गई। तो इस तरीके से रिलेट करके कैटेस्ट्रॉफ को याद कर लो। ऐसे याद करोगे ना तो कभी नहीं भूलोगे, नेक्स्ट टाइम जब भी ये वर्ड आपके सामने होगा तो ट्रॉफ से आपको फॉरन क्लिक करेगा, ट्रॉफी, ट्रॉफी से वो सिचुएशन क्लिक करेगी। एक बार वो वीडियो क्लिक देख लेना, वीडियो क्लिक देख लोगे, रिलेट कर लोगे, तो ये वर्ड हमेशा के लिए याद हो जाएगा, कभी भूलोगे नहीं। ठीक है, क्लियर है, क्लियर है? नाउ हमने सिर्फ एक वर्ड नहीं सीखा, कैलामिटी हमने देखा, कैलामिटी कॉल ऑलमाइटी, व्हाई यू आर कॉलिंग गॉड, आप क्यों याद करो, क्योंकि आप परेशान हो, कोई डैमेज हुआ है, कोई डिस्ट्रक्शन हुआ है, कोई ट्रेजेडी हुई है, ठीक है, कोई मिस हैपनिंग हुई है, यू आर डिस्टर्ब, तो आप कॉल कर रहे हो ऑलमाइटी को, तो मीनिंग निकल के आ रहा है डैमेज, डिस्ट्रक्शन, क्लियर। अब कैलामिटी के साथ आपने इतने सारे वर्ड्स रिलेटेड टर्म्स देखे, डिजास्टर सभी समझते हैं, डिजास्टर मैनेजमेंट एक सब्जेक्ट भी होता है, ठीक है, तो सभी समझते हैं। कैटेस्ट्रॉफ आपने देख लिया, ट्रॉफी, ट्रॉफी सेलिब्रिटी की इमेज खराब हुई, वो एक इंसिडेंट बहुत ही डैमेज था, उनकी रेपुटेशन खराब हुई। एडवर्सिटी, एडवर्सिटी, एडवर्स इफेक्ट, एडवर्सिटी कैसे याद करोगे, एडवर्सिटी भी यही चीज है कि डैमेज हो गया, डिस्ट्रक्शन हो गया, ठीक है, क्लियर। एडवर्सिटी, सिटी, एडवर्सिटी, सिटी से कर लिया हमने सिटी, और एडवर्स वर्ड आई गेस सभी को पता होगा, एडवर्स, एडवर्स सिचुएशन है, मतलब बड़ी खराब स्थिति है, ठीक है। तो एडवर्सिटी को ऐसे याद कर लो कि जब कोविड आया था, कोविड के टाइम पे पूरी जो सिटी थी ना वो एडवर्स हो गई थी, एडवर्सिटी, बहुत ही डैमेज हो गया, बहुत ज्यादा कोई ऐसी मिस हैपनिंग हो गई कि बहुत ज्यादा परेशानियां आ गई, ठीक है, क्लियर है। कोविड के टाइम सिटीज क्या हो गई थी, सिटीज की कंडीशन क्या हो गई थी, एडवर्स हो गई थी, खराब हो गई थी, तो मीनिंग निकल के आ रहा है ना, क्लियर। मिस फॉर्च्यून, फॉर्च्यून कहते हैं गुड लक को, फॉर्च्यून कहते हैं गुड लक को, ध्यान देना, फॉर्च्यून कहते हैं गुड लक को, ठीक है, फॉर्च्यून इज गुड लक। मिस एक टर्म है जो हमेशा नेगेटिव सेंस देता है, मिस का मतलब कभी हेट से आता है, डिसलाइक से आता है, ठीक है, तो हेट और डिसलाइक, एक नेगेटिव फीलिंग आ रही है ना, एक नेगेटिव फीलिंग आ रही है, ठीक है, अगर वर्ड में मिस देखा, हेट, डिसलाइक, नेगेटिव सेंस आ रहा है ना। अब देखो वो टर्म क्या था आपका, मिस फॉर्च्यून, मिस फॉर्च्यून, अगर फॉर्च्यून का मतलब गुड लक है, कोई ऐसी सिचुएशन जहां आपका फायदा हो रहा है, तो मिस फॉर्च्यून क्या है, ऑपोजिट एंटोनिम, मिस फॉर्च्यून बैड लक कह सकते हो, ठीक है, बैड लक कह सकते हो, जहां बर्बादी हो रही है, डैमेज हो रहा है, डिस्ट्रक्शन हो रहा है, तो मिस फॉर्च्यून इज सिनोनिम ऑफ एडवर्सिटी। अच्छा आप इसको याद कैसे करोगे, ऐसे याद करो कि भूलो ना, फॉर दैट क्या करेंगे, देखो ऐसे याद करो कि भूलो ना, फॉर दैट हम क्या करेंगे, फॉर्च्यून सभी को पता है कि फॉर्च्यून क्या है, एक ऑयल का ब्रांड है, फॉर्च्यून ऑयल, फॉर्च्यून ऑयल ब्रांड है ना, अब कोई भी ब्रांड क्या होता है, ब्रांड कब बनता है, कोई प्रोडक्ट मार्केट में आया वो ब्रांड कब बनता है, जब उसको उसको रिव्यूज अच्छे मिलते हैं, मतलब कस्टमर के बीच में वो चीज पसंद की जाने लगती है, तो फॉर्च्यून ऑयल को इमेजिन करो, फॉर्च्यून ऑयल है, ब्रांड है, बहुत ही फेमस है, सब लोग यूज करते हैं, क्यों, क्योंकि उसकी बड़ी तारीफ होती है। लेकिन कोई ऐसा इवेंट हो गया, कोई ऐसी हैपनिंग हो गई जहां पे कोई स्कैंडल हो गया, तो ब्रांड का जो है ना, ब्रांड का पूरा इमेज, पूरी सब कुछ खराब हो गई, कंपनी की इमेज खराब हो गई, तो एक इवेंट, एक ऐसा सिचुएशन हो गया, एक के बैड लक हो गया कि फॉर्च्यून ब्रांड जो है ना पूरी कंपनी की रेपुटेशन खराब हो गई, तो एक इवेंट हुआ, एक डैमेजिंग इवेंट जहां पे बहुत ज्यादा बर्बादी हुई, अब कंपनी की रेपुटेशन खराब हो गई, तो लोग प्रोडक्ट्स नहीं खरीदेंगे, प्रोडक्ट्स नहीं खरीदेंगे तो प्रॉफिट कैसे होगा, तो एक ऐसे हैपनिंग, एक ऐसा इवेंट हो गया जहां पे कंपनी को बहुत ज्यादा लॉस हो गया, तो मिस फॉर्च्यून के अंदर से फॉर्च्यून ऑयल निकाला, फॉर्च्यून ऑयल एक ब्रांड है, ब्रांड में कोई स्कैंडल हो गया तो कंपनी की रेपुटेशन खराब हो गई, कोई ऐसा इवेंट हो गया, ठीक है, क्लियर, 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 ऐसे रिलेट करके याद करोगे तो वर्ड को कभी नहीं भूलोगे, क्लियर। मिस फॉर्च्यून हमने देख लिया, मिस हैप, मिस हैपनिंग, मिस नेगेटिव सेंस दे रहा है, कोई नेगेटिव इवेंट हो रहा है, नेगेटिव इवेंट हो रहा है, नेगेटिव चीज हो रही है, तो वहां पे क्या होता है, बर्बादी होती है, क्लियर।
ट्रेजेडी हो गई, बहुत कॉमन सा वर्ड है, यू माइट बी फैमिलियर. क्लियर क्लियर क्लियर. तो यहां पर ध्यान दो, जब आपने एक वर्ड सीखा एब्स्ट्रूज, तो एक वर्ड के साथ आपने एब्स्ट्रूज कॉम्प्लेक्स डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड, एक वर्ड के साथ आपने चार रिलेटेड टर्म्स सीखे, नए वर्ड्स देखे, नए वोकैबुलरी वर्ड्स देखे. कंपटीशन में कोई भी एक इसमें से पूछा जा सकता है या ऑप्शन में देखने को मिल सकते हैं. क्लियर है? तो यू हैव लर्न फाइव वर्ड्स फॉर वन पर्टिकुलर टर्म. एंड अगेन अगेन अगर बात करेंगे क्लैमिटी की, तो फॉर क्लैमिटी, फॉर अ ट्रेजेडी मिस हैपनिंग, फॉर अ ट्रेजेडी, वहां पे आपने कई रिलेटेड टर्म्स सीखे. क्लैमिटी के लिए डिजास्टर है, कैटास्ट्रोफ है, कैटाक्लिज्म है, कैटाक्लिज्म भी सीखा आपने, एडवर्सिटी है, मिस फॉर्च्यून है, मिस हैपनिंग है, ट्रेजेडी है. तो कई सारे रिलेटेड वर्ड्स, यानी आप बहुत सारे वर्ड सीख रहे हो एक वर्ड के साथ. देन हम एंटोनिम्स देख लेते हैं. कलामिटी, कलामिटी में हमने क्या देखा, बैड लक, कोई ट्रेजेडी है, एक्सीडेंट है. तो इसके एंटोनिम्स में ऑपोजिट में क्या होगा, गुड लक, गुड लक. ठीक है, तो एक गुड लक देखो यहाँ पे फॉर्च्यून आ गया, गुड लक कह लो फॉर्च्यून. ठीक है, ब्लेसिंग, ब्लेसिंग, मेडिकल ब्लेसिंग्स कहते हैं ना, गॉड का शुक्रिया अदा करते हैं. अभी कॉम्पिटिशन क्लियर हो जाएगा, जॉब लग जाएगी, घर की सिचुएशन अच्छी हो जाएगी, यू विल बी थैंकफुल टू गॉड. तो के इतनी ब्लेसिंग्स हैं, गॉड की मर्सी है. मेडिकल हो गया, मेडिकल हो गया, इतने साल से कॉम्पिटिशन की तैयारी कर रहे हैं, निकल नहीं रहा, फाइनली एक दिन निकल गया. तो घर वाले कहेंगे यार ये तो मेडिकल हो गया, तुमसे निकल गया, हो जाता है कभी कभार. ठीक है, एडवांटेज, बेनिफिट, बून, बून कर रही है इंडस्ट्री, बून कर रही है मतलब बहुत ग्रोथ हो रही है, प्रॉफिट हो रहा है, अच्छी सिचुएशन है. क्लियर, हैप्पीनेस, सक्सेस. क्लियर, बहुत आसान से एंटोनिम्स थे सारे, इजी है, कोई मुश्किल नहीं है, कोई परेशानी नहीं है. ठीक है, एंटोनिम्स समझ में आ गए, एंटोनिम्स क्लियर है, एंटोनिम्स क्लियर है, क्लियर है. बात करेंगे एसएससी सीजीएल की. देखो नोटिफिकेशन आ चुका है, एसएससी सीजीएल में मैथ्स जैसे स्कोरिंग सब्जेक्ट है ना, या कई बार कहते हैं कि जीके अगर अच्छी है, जीके पे आपका कमांड है, तो आप क्या करते हो कि क्विकली और करेक्टली आंसर मार्क कर लेते हो, आपका टाइम बच जाता है, तो आपकी स्कोरिंग भी हो जाती है, स्कोर अच्छा हो गया और टाइम भी बच गया. वैसे ही इंग्लिश भी इक्वली स्कोरिंग है. इंग्लिश ऐसा नहीं है कि बहुत डिफिकल्ट है, कई लोगों को लगता है डिफिकल्ट है, तो इंग्लिश इतना डिफिकल्ट नहीं. जैसे आप करंट अफेयर्स पढ़ते हो, आपको एडवांटेज पता है कि अच्छा अभी प्रेसिडेंट कौन बना है, अभी पीएम कौन बना है, अभी क्या चेंजेस आए, आपको एडवांटेज पता है कि क्वेश्चन आएगा, फॉरन ऑप्शन मार्क करोगे, टाइम सेव होगा, करेक्टली मार्क करोगे, स्कोर भी करोगे. ऐसी इंग्लिश भी है, इंग्लिश में कोई डिफिकल्टी नहीं है, आपकी वोकैबुलरी अच्छी है, वोकैबुलरी पे कमांड है. सिनोनिम्स में फॉरन आंसर मार्क करोगे, एंटोनिम्स में फॉरन आंसर मार्क करोगे, स्पेलिंग करेक्शन, वर्ड जब आपने सीखा है तो उसकी स्पेलिंग भी तो सीखी है, फॉरन आंसर मार्क करोगे. कई बार फिल इन द ब्लैंक्स भी वोकैबुलरी बेस्ड होते हैं, तो वहां पे भी आप क्विकली आंसर करोगे और स्कोर कर लोगे. तो इंग्लिश इज इक्वली स्कोरिंग. तो जो डर है कि वोकैबुलरी इतना ज्यादा सिलेबस है कैसे होगा, और सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि यार याद तो कर लेते भूल जाते हैं, तो इस डर को ओवरकम करेंगे. कनेक्ट हुई मेरे साथ इस प्लेटफॉर्म के थ्रू, वोकैबुलरी विद इरम मैम, और अपनी वोकैबुलरी पे कमांड पाइए. सीजीएल की बात करें तो कई सारे कैंडिडेट सीजीएल की प्रिपरेशन करते हैं, नोटिफिकेशन आ चुका है, देर ना करें, बहुत अच्छा मौका है. एग्जाम्पल के इस प्लेटफॉर्म पे आपको बैच जो है ना सीजीएल का 999 पे मिल रहा है, आप एसएससी 60 कोड अप्लाई करके इसका एक्सेस ले सकते हो, और मेरे साथ इस प्लेटफॉर्म के थ्रू कनेक्ट हो सकते हो, अपनी वोकैबुलरी पे कमांड कर सकते हो. ट्रस्ट मी, ये बहुत आसान है, आप कर लोगे. क्लियर है, क्लियर है. जो इस प्लेटफॉर्म पे न्यू है, डू सब्सक्राइब एंड विजिट, अटेंड माई प्रीवियस क्लासेस एज वेल. तो काफी कुछ सीखा आपने, ये सारी वर्ड्स इंपॉर्टेंट थे कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से. वन थिंग मोर एग्जाम्पल का ऑफिशियल एप्लीकेशन भी आप डाउनलोड कर सकते हैं. ऑफिशियल एप्लीकेशन, यहाँ पे आपको कई सारे क्विजेस मिल जाएंगे, डेली, वीकली, मंथली करंट अफेयर्स भी मिलेंगे, देन टॉपिक वाइज फ्री लाइव क्लासेस भी हैं, पीडीएफ्स वगैरह मिल जाएंगी, प्रीवियस ईयर पेपर्स मिल जाएंगे, तो काफी कुछ है. और क्विजेस या प्रैक्टिस सेट्स ना जरूरी होते हैं, जब आप कंपटीशन की तैयारी करो सिर्फ नॉलेज लेने से नहीं होता, क्विजेस एंड प्रैक्टिस सेट्स करते रहना चाहिए, करते रहना चाहिए. हैबिट, इट्स ऑल अबाउट हैबिट, आपको हैबिचुअल होना है. एग्जाम 2 महीने बाद है, ऐसा नहीं है कि 1 महीने बाद पढ़ाई शुरू करेंगे, नहीं, अभी से हैबिट बनानी है कि डेली बेसिस पे बस कुछ ना कुछ करते रहो, अपनी सिलेबस से रिलेटेड क्विज कर लिया, या प्रैक्टिस सेट लगा लिया, या पढ़ लिया, ठीक है, या मॉक टेस्ट लगा लिया, या क्लासेस अटेंड करी,
मतलब कुछ ना कुछ करते रहना, अपार्ट फ्रॉम क्लासेस अटेंड करनी, ये अपने पार्ट पे भी करना है. तो फॉर दैट आप एग्जाम्पल का ऑफिशियल एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हो, यहाँ आपको बहुत कुछ मिलेगा. क्लियर? सो एंड यू कैन कनेक्ट विद अस थ्रू वेरियस प्लेटफॉर्म्स. सो क्लास को यही रोकेंगे, मजा आया होगा. तो आई होप आपको बहुत मजा आया होगा वर्ड्स सीखने में इस तरीके से. इफ यू रियली लाइक्ड देन डू लाइक द सेशन एंड शेयर जरूर करेंगे. ठीक है, शेयर जरूर करेंगे. इंग्लिश में बहुत से लोगों को डिफिकल्टी होती है वोकैब में, तो डू शेयर द सेशन. फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में टुमारो. डेली हम 7 बजे मिलेंगे इसी प्लेटफॉर्म के थ्रू और इंग्लिश की वोकैबुलरी सीखेंगे और उस पर कमांड पाएंगे. सी यू इन द नेक्स्ट क्लास. टिल देन टेक केयर एवरीवन. थैंक यू.